दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली एक वीडियो जो कि है पैच पैनल क्रिम्पिंग। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी केबल स्ट्रक्चरिंग या केबल ड्रेसिंग पैच पूरे रैक के अंदर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं, सिर्फ पैच पैनल पे क्रिम्पिंग जो है वो किस तरह से करी जानी चाहिए और किस तरह से जो है आप केबल्स को उसमें पंच करते हैं वो एक प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो दिखाने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों ये है हमारे पास डीलिंक का फुली लोडेड पैच पैनल 24 पोर्ट्स का। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है जो पैच पैनल है वो किस तरह से दिखता है। तो ये हमारा बॉक्स जो है हो गया ओपन। तो एज यू कैन सी इसके साथ हमें जो है कुछ स्क्रू मिलते हैं जो कि हमें इसको टाई करने के रैक में कसने के लिए, और ये जो है पैच पैनल है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। सो ओपन करने के बाद ये फ्रंट साइड से जो है पैच पैनल कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे 24 पोर्ट हैं इसमें। और बैक साइड पे ये जो आप पोर्शंस देख रहे हैं यहाँ पे जो है पूरे हम केबल्स जो हमारी होती है कैट सिक्स वो हम टाई करते हैं ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए। और ये जो है हमारे क्रोन्स हैं जो कि बैक पैच पैनल का बैक साइड जहाँ पे हम केबल पंच करते हैं। इसमें कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं जो यूनिफॉर्म जो है हम एक ही कलर कोडिंग को लेके चलते हैं और इसी तरह से पूरे जो है पैच पैनल में कॉन्फ़िगर करते हैं। सो दोस्तों ये है हमारा पैच पैनल जो हमने दिखाया था, अभी उसको फिक्स कर दिया रैक के अंदर और इस तरह से जो है हमने उसको केबल्स जो है उसके अंदर लगा दी हैं। यहाँ पे हमने जो है दो पेयर इस्तेमाल किए हैं, ब्राउन और ग्रीन वाइट। तो ये बाकी की जो है 24 केबल जो है हमारे इसी तरह से जैसे हमने ये लगाई हैं तो इसी तरह से जो है हम इसमें माउंट करेंगे, इसमें करेंगे पूरी केबल्स लगाएंगे पहले। तो ये है तरीका इसमें लगाने का। तो कोई भी कोड आप जो एक सेलेक्ट कर लें उसमें जो है इस तरह से पूरा इसको सारी केबल्स को लगा दें और सारी केबल लग जाने के बाद जो है इस तरह से हमें पूरी सेफ्टी के साथ जो है पूरी केबल्स को पंच करना है ताकि हमारा जो क्रोन है वो डैमेज ना हो और बहुत ही सेफ्टी के साथ ये जो किनारे वाले पोर्ट्स होते हैं उनको जो बहुत ही ध्यान से जो है क्रिम्प करना है और क्रिम्पर हमें बिल्कुल सीधा चलाना है ताकि हमारे जो पोर्ट्स हैं वो डैमेज ना हो सकें, क्योंकि अगर डैमेज हो जाएंगे तो हमारे लिए वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसे में पोर्ट्स जो है हमारे डैमेज हो जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इसी तरह सारी केबल्स जो है पंच हम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये हमने पैच पैनल को जो है एक साइड पंच करके दोबारा उसमें घुमाकर जो है हमने उसको के अंदर माउंट कर दिया है और इस तरह से जो केबल्स जो हमारे दो दो पेयर हमने क्रिम्प कर दिए हैं उसके दूसरी साइड के जो पेयर दो बचे हुए हैं अब वो हम उसको इस तरह से ओपन कर करके इसमें लगाते चले जाएंगे और जो है उसके बाद हमें जो है पूरा जो उसको वापस एज इट इज़ क्रिम्प करना है। इसी तरह जो है केबल हम सारी पहले क्रिम्प लगा लेते हैं। सो दोस्तों सारी केबल जब हमारी लग जाएं तो अच्छे से सारे जो हमने पेयर्स हैं उनको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, जो कलर कोडिंग हमने उसके अंदर केबल्स लगाई हैं वो प्रॉपर लगाई हैं कि नहीं। और एक बार पूरा कंफर्म हो जाने के बाद जो है हम हमारे इसके केबल्स को क्रिम्पर के साथ जो है वापस से बचे दोनों पेयर्स को भी अच्छे से क्रिम्प कर देंगे। सेफ्टी हमें वही रखनी है कि हमारा जो क्रिम्पर है वो बिल्कुल सीधा रहे और प्रेशर जो है उस पर बराबर रहना चाहिए ताकि सिर्फ केबल ही कटे और हमारा जो इसका जो सॉकेट्स हैं वो डैमेज ना हो।
सो दोस्तों एज यू कैन सी हमारी जो केबल के चारों चारों पेयर जो हैं वो क्रिम्प हो गए हैं नीड एंड क्लीन, और इसी तरह से जो है हमने सारी केबल्स क्रिम्प कर दी हैं, तो इसी तरह से आपको भी करनी है। और ये है दोस्तों आयो जो कि है दूसरी एंड पे हमारे लगना है। सो ये कैट 6 आयो है, और ये है इसका शटर जहाँ से जो है केबल हम इस शटर को ऊपर करके इसके अंदर प्लग इन करके हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि पैच पैनल के बैक साइड पे कलर कोडिंग होती है, इसके भी होती है, वही सेम कलर जो कोडिंग हमने हमारे पैच पैनल पे लिए वही इस पे भी हम यूज़ करेंगे। सो दोस्तों ये एक था छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो कि पैच पैनल पे जो है किस तरह से हम केबल को क्रिम्प करते हैं कैट 6। तो अभी इसमें मैंने कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया, बहुत बेसिक सी एक डिटेल दी है। आगे जो है हम पूरा फुली प्रोफेशनल तरीके से जो पूरी केबल को रैक के अंदर पूरा पैच पैनल को पंचिंग से लेके उसकी केबल ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज, उसको स्विच टर्मिनेशंस वगैरह जो है प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकल्स मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए तो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस हम लेके आ चुके हैं और आगे भी लाइनअप हैं। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।